दोस्तों, बांग्लादेश का इतिहास बहुत दर्दनाक रहा है। 1971 में भारत की मदद से आजाद होने वाले इस छोटे लेकिन घनी आबादी वाले मुल्क को आजादी के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी बाढ़ तो कभी साइक्लोन्स। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि गरीबी और कुदरत की दोहरी मार झेलने वाले इस देश ने जी तोड़ मेहनत के दम पर अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीबी से बाहर निकाला है। वो दिन गए जब भारत की तुलना हम चीन से किया करते थे। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कोविड के दौरान आए आंकड़ों ने मानो कई लोगों की बोलती बंद ही कर दी। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारत की ग्रोथ रेट -23.9% रही थी, वहीं चाइना +3.2% की ग्रोथ रेट के साथ यूएस और यूके जैसे देशों से बेहतर कर रहा था। आलम यह है कि IMF की एक प्रोजेक्शन के मुताबिक 2020 में बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP भी भारत की पर कैपिटा GDP से बेहतर होने का अनुमान है। माने कि एक एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन एक एवरेज इंडियन से ज्यादा कमाने वाला है। तो वो क्या था जो बांग्लादेश ने सही किया और हमसे हुई है गलती, बिना किसी लाग लपेट के डालेंगे इस पर एक नजर आज के फैक्टिफाइड स्पेशल के इस पहले एपिसोड में। फैक्टिफाइड स्पेशल्स। दोस्तों, ये जुटलाया नहीं जा सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था पैंडेमिक से प्रभावित है, मगर हकीकत ये है कि हमारे देश की लगातार गिरती GDP पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन जीतने के साथ भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन यानी कि $5,00,000,00,000 जितना बनाना, लेकिन इन सभी सपनों से उलट असली हकीकत से हमारा सामना IMF ने जून के महीने में अपनी रिपोर्ट से करवा दिया था। IMF का अनुमान, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो करीब 190 देशों के मॉनिटरी सिस्टम की देखरेख करने और उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर करने का काम करती है। जून 2020 में IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया था कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट -4.5% रहेगी। जी हाँ दोस्तों, साल 1989 के बाद ये वो पहला मौका होगा जब भारत को नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं एक ताजा रिपोर्ट में जून के आंकड़ों को संशोधित करके इसे -10.3% कर दिया गया है। पाकिस्तान और नेपाल के बाद अब भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन जाएगा। हालांकि IMF ने ये भी कहा है कि अगले साल भारत की ग्रोथ रेट में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में दोस्तों ये भी बताया गया था कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP में 4% की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद वो इस मामले में भारत से आगे निकल जाएगा। IMF का यही अनुमान पिछले दिनों काफी चर्चा का विषय बना रहा। दोस्तों, बता दूं कि दो देशों की ग्रोथ की तुलना अक्सर उनकी GDP ग्रोथ रेट के आधार पर की जाती है। ऐसे में इस सारे फसाद को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप GDP को अच्छी तरह से समझ लें। दरअसल GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो सकल का मतलब होता है सभी, और घरेलू से मतलब होता है देश के उत्पाद, यानी कि देश में कितना उत्पादन हुआ, जिसमें कारखानों और खेतों में होने वाली प्रोडक्शन के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। इस तरह प्रोडक्शन और सर्विसेज की तरक्की या फिर गिरावट का जो आंकड़ा बनता है उसे GDP कहते हैं। किसी भी देश की GDP को कैलकुलेट करने के 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल कंजम्पशन, फिर है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फिर है नेट एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, बता दें कि कोरोना काल में GDP को सबसे ज्यादा नुकसान पर्सनल कंजम्पशन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ही पहुंचा है। इसी के साथ एक और शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है पर कैपिटा, जो कि एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा इनकम ये बताती है कि किसी देश में एक व्यक्ति औसतन एक साल में कितना कमाता है, और जब पर कैपिटा और GDP को जोड़ दिया जाए तो एक नया टर्म बनता है जिसे कहते हैं पर कैपिटा GDP, जिसका मतलब होता है किसी देश, राज्य, संस्था या फिर समाज में प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला औसत आर्थिक उत्पादन। चलिए अब बात करते हैं IMF के अनुमान के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP इस फाइनेंशियल ईयर में 4% बढ़कर $1,888 होगी, जबकि भारत की पर कैपिटा GDP $1,876.5 रहेगी। यानी कि भारत के आम आदमी की एवरेज इनकम बांग्लादेश के एक आम आदमी के मुकाबले कम हो जाएगी। ऐसे में सरकार के सपोर्टर्स का यही कहना है कि भारत की ये नेगेटिव ग्रोथ रेट शॉर्ट टर्म है
और अगले साल फिर से भारत आगे हो जाएगा। मगर इसी को काउंटर कर रहा है आईएमएफ का एक और प्रोजेक्शन। दरअसल आईएमएफ ने आगे के सालों के भी आंकड़े जारी करते हुए ये बताया है कि इंडिया की ग्रोथ रेट वापस इम्प्रूव तो करेगी, लेकिन वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और साल 2025 में बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी फिर से इंडिया से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ समय पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जारी किया गया था, जिसके अनुसार भुखमरी के मामलों में दुनिया भर के 107 देशों में भारत का स्थान 94वां है, जबकि बांग्लादेश 75वें स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार भी बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर भारत से ज्यादा तेजी से आगे निकल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या हमें इन आंकड़ों से डरने या फिर सावधान होने की जरूरत है? क्या इन आंकड़ों का हमारे और आपके जीवन पर कुछ असर पड़ेगा भी या नहीं? तो दोस्तों बता दूं कि देश के जाने माने स्टैटिस्टिशियन प्रणव सेन का कहना है कि पर कैपिटा जीडीपी में -10% की गिरावट का मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आम जनता की आमदनी तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए कम होगी। जाहिर है जब आमदनी कम होगी तो लोग खर्च भी कम करेंगे, ऐसे में लोगों के रहन सहन पर इसका काफी असर पड़ेगा। लोग अपने बचत खातों से पैसे निकालने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन असली दिक्कत उन लोगों की होगी जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं। आमदनी और खर्च के अलावा इसका असर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? व्यापार में मंदी होगी तो रोजगार के रास्ते भी बंद होते जाएंगे, जिसका सीधा असर पड़ेगा युवाओं पर। इसके अलावा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तरक्की का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये हो सकता है कि जो बांग्लादेशी मजदूर भारत के शहरों में रह रहे हैं, वे पुनः अपने देश पलायन कर सकते हैं। भारत के लिए आईएमएफ के ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि आजादी के बाद से ही भारत की स्थिति ज्यादातर समय बांग्लादेश से बेहतर ही रही है। 5 साल पहले तक बांग्लादेश भारत से लगभग 25% पीछे था, और भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की तुलना में 40% ज्यादा थी। लेकिन इसके ठीक उलट दोस्तों, पिछले 5 सालों में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट भारत से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जहां भारत की ग्रोथ रेट 3.2% रही है, वहीं बांग्लादेश के लिए ये आंकड़ा 9.1% हो गया है। वहीं अगर पर कैपिटा जीडीपी में बढ़ोतरी की बात करें तो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी लगभग 38% से बढ़ी है, लेकिन भारत में ये दर केवल 15% है। इस मामले में कुछ लोगों का काउंटर यही होता है कि इसके पीछे कोरोना महामारी का हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल है। मगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो हकीकत में पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा लिए गए डिसीजंस ने हमारी इकोनॉमी को काफी बड़े लेवल पर चोट पहुंचाई है, जिसके चलते भारत की ये इकोनॉमी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई हम तक ना पहुंच पाए उसमें एक बहुत ही मेजर रोल निभाया है हमारे देश के सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया ने। बहुत सारे दूसरे फालतू मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की तरकीब आज के इस मीडिया को बखूबी आती है। खैर, इकोनॉमी पर वार करने वाले उन फैक्टर्स पर अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इधर उधर ना जाते हुए अब बात करते हैं उन इंडिकेटर्स की जिनमें बांग्लादेश ने अपना कमाल दिखाया। ग्रोथ रेट दोस्तों, भले ही इकोनॉमी के साइज के मामले में बांग्लादेश अभी भारत के बराबर ना हो, मगर इस सच से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि बांग्लादेश बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले सालों में वो ये कमाल भी दिखा दे। वैसे देखा जाए तो जीडीपी तो सिर्फ एक फैक्टर होता है ये तय करने के लिए कि किसी देश का आर्थिक विकास दूसरे देश की तुलना में कितना अच्छा है। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान से आजादी के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। 1974 में भयानक अकाल देखा, गरीबी, फिर प्राकृतिक आपदा, और फिर शरणार्थी संकट से भी बांग्लादेश को जूझना पड़ा था। मगर हाल ही के एक दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था औसतन 6% की वार्षिक दर से बढ़ी है, और इस ग्रोथ में 2 फैक्टर्स का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है विदेशों में काम करने वाले गए बांग्लादेशी लोगों का पैसा। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, सबसे पहले बात उस क्षेत्र की जिसमें बांग्लादेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो सेक्टर है जिसमें बांग्लादेश ने बहुत ही तेजी से तरक्की की है। बता दें कि कपड़ा उद्योग के मामले में बांग्लादेश चीन के बाद पूरी दुनिया में 2 नंबर पर है, और यहां बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15-17% की दर से आगे बढ़ रहा है। उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा बेहतर हुई है कि दुनिया भर में मेड इन बांग्लादेश कपड़ों की अलग और एक अच्छी पहचान बन गई है। बता दें कि सिर्फ कपड़ा उद्योग से ही बांग्लादेश में लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर भारत में देखें
तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले दिनों सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस साल की पहली तिमाही में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ -39.3% रही थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में भी बांग्लादेश काफी तेजी से ऊपर उठ रहा है। इस देश की सियासत में दो महिलाओं, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का काफी बड़ा योगदान रहा है। कपड़ा उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी है। यहाँ कपड़ों की सिलाई का काम व्यापक पैमाने पर होता है और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। लेबर फोर्स हिस्सेदारी की बात करें तो बांग्लादेश में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की 30% महिलाएं वर्किंग हैं, जबकि हमारे देश में ये आंकड़ा 20% है। फीमेल लिटरेसी, वहीं अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 48% महिलाओं ने 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन पूरी की है, वहीं बांग्लादेश में ये आंकड़ा 54% है। लिटरेसी रेट, अब अगर बात करें ओवरऑल लिटरेसी रेट की तो भारत का लिटरेसी रेट यहाँ 74.4% है, वहीं बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 73.9% है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, दोस्तों बांग्लादेश की तरक्की में एक बड़ा योगदान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का भी रहा है। इस देश ने अपने यहाँ पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को बढ़ाया है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन प्रतीक्षा, शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण जैसी दरों में सुधार आया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये जज करने के लिए कि किसी देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, दोस्तों बता दो कि जहाँ एक बांग्लादेशी की औसत उम्र 72 साल रहती है, वहीं एक भारतीय व्यक्ति की औसत उम्र 69 साल है, यानी कि एक औसत बांग्लादेशी व्यक्ति एक भारतीय नागरिक से 3 साल ज्यादा जीता है। अगर मेल और फीमेल कैटेगरी के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश का एक मेल औसत 71 साल और फीमेल 74 साल जीती है, वहीं भारत के लिए ये आंकड़ा 67 और 70 का है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर को जज करने के लिए। ये बताता है कि पैदा होने वाले टोटल बच्चों में से कितनों ने सर्वाइव किया। इस मामले में भी बांग्लादेश भारत से बेहतर कर रहा है। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी के क्षेत्र में बांग्लादेश की ग्रोथ काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गया है। बता दें कि रिप्लेसमेंट लेवल वो लेवल होता है जिसका मतलब होता है कि अब से कुछ समय बाद वहाँ पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। बिजनेस, दोस्तों कोरोना काल में 16 जापानी कंपनियों ने चीन से निकलकर बांग्लादेश में अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। ये इस बात का संकेत है दोस्तों कि बांग्लादेश सरकार के साथ बिजनेस करने के लिए कई देश इच्छुक भी हैं। हालांकि FDI और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बांग्लादेश भारत से थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी शेख हसीना के पिछले 9 सालों के शासनकाल में FDI 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा लोकल कंपनियां भी वहां बड़ी संख्या में फल फूल रही हैं। ऐसी कंपनीज को वहां भूमि पुत्र की संज्ञा दी जाती है। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के मामले में इसकी ग्रोथ का एक मेजर क्रेडिट नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को भी जाता है, जिन्होंने वहां ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जिसके बाद पूरे देश में माइक्रो फाइनेंस का रेवोल्यूशन सा आ गया। गरीब परिवारों और औरतों को कोलेटरल फ्री लोन्स दिए गए, जिससे छोटे व्यापारियों को अपना बिजनेस सेट करने में काफी मदद मिली। नॉन रेजिडेंट बांग्लादेशी, दोस्तों बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसे कमाकर भेजते हैं उनमें हर साल लगभग 18% की बढ़ोतरी हो रही है और देश को अमीर करने का ये एक साधन बना हुआ है। भारत के लिए क्या है सबक, दोस्तों अब की बार की रिकवरी पहले जितनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार कोविड के पहले भी हमारी इकोनॉमी काफी सफर कर रही थी। ऐसे में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए भारत को दूसरे देशों से सबक लेने की जरूरत है। भारत सरकार को स्टिमुलस पैकेज की जगह रिलीफ पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी, जैसे कि दुनिया की दूसरी बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देश कर रहे हैं। अमेरिका का ही उदाहरण ले तो अमेरिकी सरकार ने जो लोग किराया नहीं दे पा रहे थे उनके अकाउंट में पैसे डाले, लोगों की नौकरी ना जाए उसके लिए भी कंपनीज को सैलरी देने के लिए पैसे दिए गए। बहुत से देशों ने अपनी जनता की असुविधाओं को देखते हुए अलग अलग पैकेज बनाए और स्पेशल स्कीम्स डिजाइन की। और हमारी सरकार ने क्या किया था आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे इंडियन इकोनॉमी पर डिटेल से बात करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आखिर में दोस्तों आज के इस एपिसोड के मूल सवाल कि बांग्लादेश की GDP ग्रोथ भारत से बेहतर कैसे हुई, इसका जवाब रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोफेसर प्रवीर डे ने एक लाइन में बखूबी दिया है। वो कहते हैं
कि बांग्लादेश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, न कि भारत की तरह एक लिफ्ट का रास्ता चुना। लिफ्ट में तकनीकी खराबी से आप एक ही जगह रुक जाएंगे, लेकिन अगर सीढ़ी हो तो उतरना और चढ़ना ज्यादा आसान होता है, और यही इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में बुनियादी फर्क है। उम्मीद है चश्मे से कुछ धूल तो जरूर हटी होगी। कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। फिलहाल अब मुझे इजाजत दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।